हम स्टार्ट करेंगे मैट। मैट जो रहेगा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसका सेक्शन रहता है 115 JB। ठीक है, 115 JB। ये जो मैट रहता है ना, ये सारी की सारी कंपनीज पे लगता है, चाहे वो कंपनी इंडियन हो, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, तो सारी कंपनीज के लिए लगता है। मैट के केस में क्या होता है, देखो नॉर्मल टैक्स जो होता है ना 30%, नॉर्मल कंपनी में 30% टैक्स लगता है तो वो, और बुक प्रॉफिट का 18.5%, तो इन दोनों में से विच एवरेज हायर होगा ना वही आपका मैट कहलाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि बुक प्रॉफिट कैसे निकालना है। नॉर्मल टैक्स तो जैसा अपन निकालते हैं वैसे निकालेंगे, मतलब नॉर्मल वाला जो रहता है वो तो जो हमारी टोटल इनकम आती है जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे करेंगे। इस केस में हमको बुक प्रॉफिट निकालना है। बुक प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अब बुक प्रॉफिट निकालने के लिए ना मैंने एक की रेडी की है, वो की मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या याद करना है, प्राइड, PRIDE, प्राइड और ब्राइड, ये दो वर्ड्स आपको याद करने हैं। ठीक है, प्राइड एंड ब्राइड, तो इससे आप है ना क्या बोलते हैं ये बुक प्रॉफिट निकालेंगे, इससे आप बुक प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा, अभी एक और बात देखो, इसके अंदर जो पी रहेगा ना ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पी जो रहेगा वो 3 times आएगा, आर जो रहेगा वो 4 times आएगा, डी 3 times आएगा, सॉरी प्राइड्स एंड ब्राइड्स है, एस 3 times आएगा। ठीक है, पी 3 times, आर 3 times, डी और एस 3 times, मतलब आप ऐसे ध्यान रख लीजिए सिर्फ आर 4 times आएगा, बाकी ये 3 times आएंगे। ठीक है, और बी 1 बार है, आर 4 बार रहेगा ऐसा का ऐसा एज इट इज, डी यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार रहेगा, एस 3 बार रहेगा। तो ये नंबर्स आपको फ्रेंड्स कैसे भी याद करने होंगे वो आप देख लीजिएगा कैसे करने, बाकी मैं आपको इसका एक ही ऐसा बता दिया कि प्राइड और ब्राइड याद कर लीजिए। अच्छा, अभी प्राइड से क्या मतलब रहा, पी ना पी से मतलब 3 बार, 3 बार में क्या क्या आएगा, 1 बार आ जाएगा प्रोविज़न, प्रोविज़न और प्रोविज़न, कौन कौन से प्रोविज़न आते हैं इसके अंदर। अच्छा, प्रोविज़न आता है ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी का, प्रोविज़न किसका आता है, ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी का। पी फॉर अगेन प्रोविज़न फॉर डेमोलेशन ऑफ असेट, मतलब एक तरह से ये वो बैड डेब्ट्स हो गए, डेमोलेशन ऑफ असेट आ जाता है, प्रोविज़न ऑफ डेमोलेशन असेट। प्रोविज़न किसका आता है, और प्रोविज़न आता है फॉर डेफर्ड असेट, डेफर्ड टैक्स का, किसका आता है, प्रोविज़न ऑफ डेफर्ड टैक्स का। तो पी से 3 हो गए, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हो गया, डिमिनेशन ऑफ असेट हो गया, डेफर्ड टैक्स हो गया। ठीक है, आर से 4 चीज़ें आएंगी, आर से 4 चीज़ें क्या क्या आएगी, रॉयल्टी, रॉयल्टी किस पे, रॉयल्टी ऑफ पेटेंट, पेटेंट पे रॉयल्टी आएगी, रॉयल्टी फीस फॉर रॉयल्टी, रॉयल्टी किस पे आएगी, रॉयल्टी फीस फॉर, रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तो हो गए, रॉयल्टी पेटेंट पे, रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे। ठीक है, और रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है ना, और क्या आएगा, अमाउंट जो रहेगी ना वो ट्रांसफ़र टू रिजर्व, रिजर्व के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र होना। तो 4 R हो गए, मैंने आपको क्या क्या बताया, पी पी और पी और आर, अभी तक हमने 2 चीज़ें की, पी पे 3, क्या क्या है 3, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आएगी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी आएगी, मतलब प्रोविज़न ऑफ डेफर टैक्स आएगा, और प्रोविज़न फॉर डायमिनेशन ऑफ असेट, यानी कि वही प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। आर आर पे क्या क्या आएगा, रॉयल्टी, रॉयल्टी के 2 पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट्स है, रॉयल्टी का 1 पॉइंट है पेटेंट पे रॉयल्टी, दूसरा है कि रॉयल्टी फी देते हैं हम टेक्निकल सर्विसेज पे। तो 2 रॉयल्टी हो गई, एक रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, और एक हो गया आपने रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र किया है। तो ठीक है, तो हमने पी और आर दोनों पढ़ लिए। ठीक है, अब आई, आई फोर क्या रहेगा आपका, आई फोर रहेगा इनकम टैक्स, यदि आपने पे किया है तो, इनकम टैक्स पेड। ठीक है, अच्छा अभी इनकम टैक्स पे किया, इससे रिलेटेड यदि आपने प्रोविज़न बनाया तो वो भी आ जाएंगे इसके अंदर इंक्लूड में, इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर इंटरेस्ट भी आ जाएगा, इसके अंदर है ना आपका DDT, SC, EC सारी चीज़ें आ जाएगी। तो इनकम टैक्स का ये पूरा का पूरा इधर इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब आई के बाद में क्या है, डी, डी से 3 पॉइंट है। अच्छा, डी से क्या क्या बनेगा, एक डेप्रिसिएशन बनेगा, एक डी से डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है ना, डिविडेंड पेड भी आ सकता है इसके अंदर, प्रपोज्ड भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा अभी एक और डी से क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स, हम डेफर्ड टैक्स का प्रोविज़न भी लेंगे और डेफर्ड टैक्स भी लेंगे। तो डी के 3 पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए। अब है ई, ई फोर क्या रहेगा, एग्जेम्पशन, ई फोर क्या रहेगा, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन कौन सी वाली, अंडर सेक्शन 10, 11 और 12 वाली एग्जेम्पशन। ठीक है, बट इसके अंदर एक्सेप्ट कौन सी वाली नहीं आएगी, 10, 38 वाली नहीं आएगी, इसका आप ध्यान रखना, कौन सी वाली एग्जेम्पशन नहीं आएगी, 10, 38, बाकी ये सारी की सारी 10, 11, 12 वाली जो भी एग्जेम्पशन है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, ओके, और क्या रहेगा,
और अब क्या बचा, ई हो गया, ई के बाद में एस, एस के तीन पॉइंट है। एस के कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक तो एस पे आएगा कि लॉस, लॉस किस में हो रहा है, सब्सिडरी कंपनी को, लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी आएगा, ठीक है। और कौन सा आएगा, यदि आपने एक्सपेंसेस रिलेटेड टू शेयर इन इनकम ऑफ ए ओ पी ए बी आई, यदि देखो इनकम हो रही है, किससे इनकम हो रही है, इनकम किससे हो रही है, ए ओ पी या बी ओ पाई बी ओ आई, ठीक है ना, इससे इनकम हो रही है, तो उससे उसका जो शेयर है, ठीक है ना, उसका जो शेयर है उससे रिलेटेड यदि हमने कोई एक्सपेंसेस किए हैं, तो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू शेयर इनकम ऑफ ए ओ पी और बी ओ आई, एक तो ये हो गया, एक लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी हो गया, और एक और कौन सा रहेगा कि यदि आपके मतलब नॉशनल लॉस हुआ है, नॉशनल लॉस किस पे हुआ है, ऑन एक्सचेंज ऑफ शेयर ऑफ एस पी वी, एस पी वी के शेयर का यदि आपने एक्सचेंज किया, उससे यदि आपको कोई नॉशनल लॉस हुआ है तो वो भी आपका इधर आ जाएगा। चलो अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी होगी, हमको ऐड बैक करनी होगी, किस में ऐड बैक करनी पड़ेगी, आपका जो नेट प्रॉफिट रहेगा ना, ये सारी चीज़ें ऐड होगी, ऐड किस में होगी, नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, कंपनीज एक्ट वाला, यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा मैट जो रहता है ना वो हमेशा कंपनीज एक्ट वाला रहता है, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट रहेगा ये भी कंपनीज एक्ट वाला नेट प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, इसमें आप ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। अब आप लेस किसको करेंगे, ब्राइड को, बी, बी फोर क्या रहेगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ठीक है ना, बी फोर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इनमें से जो भी लोअर रहेगा ना, एक तो ये, ठीक है ना, एक पॉइंट तो बी का ये हो गया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसमें से जो भी लोअर रहेगा वो। अब आर के चार पॉइंट, आर के चार पॉइंट क्या क्या थे ऊपर, अच्छा अभी मैंने यहाँ पे लिखे थे रॉयल्टी ऑफ पेटेंट, तो अगर मैं यहाँ पे खर्चा किया है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इनकम लिखूंगी, तो रॉयल्टी रिसीव ऑफ पेटेंट हो गया, ठीक है ना, रॉयल्टी फीस ऑफ टेक्निकल सर्विसेज यदि ये इनकम है, रिवैल्यूएशन रिजर्व वाली इनकम है, या फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम रिजर्व्स, तो ये चारों आर वाले पॉइंट यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएंगे। ई फोर यदि आपको यहाँ पे आई 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 ये देखिए यहाँ पे आई आई था ना, आपने ऊपर क्या किया था, इनकम टैक्स पे किया था, तो आपको इनकम टैक्स रिसीव हो रहा है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डी फोर डेफर्ड टैक्स आ जाएगा, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन और डेफर्ड टैक्स आ जाएगा, लेकिन डिविडेंड रिसीव होगा वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि डिविडेंड रिसीव होता है वो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है, तो वो नहीं आएगा एग्जेम्प्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जेम्प्शन को एक्सक्लूड करा है। अच्छा कोई यदि एग्जेम्प्टेड इनकम है, कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम, यहाँ पर तो ऊपर हमने खर्चे दिखाए, बट नीचे यदि कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो वो इधर लेस हो जाएगी, एस पर वही चारों पॉइंट, ये वाले चारों पॉइंट ऐसे कैसे एस पर, सॉरी तीनों पॉइंट ऐसे कैसे आ जाएंगे, यदि इनकम हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है सिख इंडस्ट्री से और सब्सिडरी से, यहाँ पे एक्सपेंसेस शेयर इनकम, मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके इसमें आ जाएंगे। तो आपको मैंने सिंपली बता दिया कि आपको याद रखना है ब्राइड एंड सॉरी ब्राइड एंड ब्राइड, ठीक है। मैट जो रहता है ना, अभी मैट किनको एप्लीकेबल नहीं होता है, अच्छा अभी एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने एक बात बोली आपको, मैट ना किनको एप्लीकेबल नहीं होता है, किनको एप्लीकेबल नहीं होता है मैट, किनको एप्लीकेबल नहीं होता है, देखो फॉरेन कंपनी है, ठीक है ना, फॉरेन कंपनी है, इसका DTAA है, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, इसका DTAA नहीं है, फॉरेन कंपनी इसका DTAA है, फॉरेन कंपनी इसका DTAA नहीं है, ठीक है। यदि मतलब किनको एप्लीकेबल नहीं है, मैं वो बता रही हूँ, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, फॉरेन कंपनी अगर आपका उसके साथ में DTAA है, लेकिन आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, ठीक है, फॉरेन कंपनी DTAA नहीं है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इंडिया में, उसका DTAA भी नहीं है और उसका रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है इंडिया में, तो इन दोनों पर मैट एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैट के सारे प्रोविजंस बता दिए, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, देखो अब हमारे जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स, नेट प्रॉफिट 75 लाख दे रखा है, ठीक है। इन्होंने बोला डेप्रिसिएशन 24 लाख रुपये, हम डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर देंगे, लेकिन इसने बोला कि इंक्लूड करना है, इंक्लूड है इसके अंदर 4 लाख रुपये वाला रिवैल्यूएशन वाला, ठीक है ना। तो ये चार वाला जो रहेगा ना, इसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं बाद में, सबसे पहले अभी मैंने क्या किया, 75 लाख रुपए था उसमें मैंने 24 लाख रुपए डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम 6 लाख रुपीज़, ठीक है।
अच्छा अभी ये वाला जो है इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या हमारे उस प्राइड ब्राइड में आया था? नहीं आया था, मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, तो मैं इसको नहीं ले रही हूँ। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, यस ये आएगा, ये वापस ऐड हो जाएगा। प्रोविज़न फॉर अनअसर्टेन लाइबिलिटी यानी कि कंटिजेंट लाइबिलिटी, 2 लाख रुपये, ये भी ऐड हो जाएगा। तो देखो मैंने, अपन कैलसी पे करते हैं फ्रेंड्स, 75 प्लस मैंने और क्या क्या लिया, डेप्रिसिएशन 24 ऐड कर दूंगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल और ये तीन और ये ऐड कर रही हूँ मैं, तो मेरा 102 हुआ है, तो मैंने अभी इसको मेमोरी में डाल दिया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5 लाख रुपये, ठीक है ये भी आएगा, मैंने बताया था ना आपको आर के अंदर था ये भी मैंने मेमोरी में डाल दिया। नेट एग्रीकल्चर इनकम 6 लाख रुपये, अच्छा अभी नेट एग्रीकल्चर इनकम जो 6 लाख रुपये है ना, एग्रीकल्चर इनकम की एग्जेम्पशन कौन सी होती है, एक मिनट इसका मैं भूल गई सेक्शन, इसकी एग्जेम्पशन होती है क्योंकि हमने एग्जेम्पशन को नहीं लेना है। देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ होगा एग्रीकल्चर वाली एग्जेम्पशन कौन सी होती है, 10-1 वाली होती है, नेट एग्रीकल्चर इनकम की जो एग्जेम्पशन होती है ना वो 10-1 वाली होती है, ठीक है। तो ये वाली जो है 10 मतलब क्या बोलते हैं नेट एग्रीकल्चर, और ये इनकम हो रही है, ठीक है ना, ये इनकम हो रही है। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे यही किया था ना कि जो 10, 11, 12 वाले जो एक्सपेंसेस है हम उनको ऐड करेंगे और जो इनकम है हम उनको लेस करेंगे, ठीक है। तो ये 10 की सीरीज वाली है, नेट एग्रीकल्चर इनकम 10-1 वाली सीरीज की है, तो हम इसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 6 लाख को लेस कर रही हूँ। अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व क्रेडिटेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 13-14 3 लाख रुपये, विड्रॉ हुए रिजर्व से 3 लाख रुपये, तो 3 लाख रुपये भी हमारा आ रहा है रिजर्व से, तो ये 3 लाख रुपये भी मैं लेस कर दूंगी, ठीक है। चलो अब और क्या बच रहा है हमारा, नीचे आओ। बुक प्रॉफिट वॉज इंक्रीज बाय द अमाउंट ट्रांसफर टू सच रिजर्व इन द ये, ठीक है। इन्होंने बोला ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन 12 और 10 है। मैंने क्या बताया था, जो भी इन दोनों में से कम रहेगा, जो भी इन दोनों में से कम रहेगा वो उसको आप लेस कर दोगे। तो यहाँ पे 10 है, मैं 10 को भी लेस कर देती हूँ, ये मैंने लेस कर दिया। अब डेप्रिसिएशन को लेस करना है, डेप्रिसिएशन को कहाँ तक लेस करना है, ये 4 लाख रुपये जो रिवेल्यूशन का नाम, ये रिवेल्यूशन का हटा देंगे, तो हमें सिर्फ 20 को ही लेस करना है। तो हमारा टोटल आ रहा है 68, देखो मेरा शायद इधर 68 आना चाहिए, आ रहा है फ्रेंड्स देखिए 68 आया। चलो अब क्या करेंगे हम, 68 जो आया ना इस पर कितना, 68 अभी मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, 68 लाख इस पर कितना परसेंट, 18.5%, ठीक है। ऐड करेंगे 3%, तो 1295740 आपका मैट आ गया, 115 JB। फ्रेंड्स मैट का सेक्शन प्लीज़ 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 याद कर लेना, 115 JB, ठीक है, ये आपको सेक्शन याद होना चाहिए इसका, 115 JB। मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ, इजी याद करना, मैट का सेक्शन जय बोलो, जय बोलो, जे बी, ठीक है, जय बोलो। तो प्लीज़ इसको याद रखना है, सेक्शन को कोट करके आना, अच्छा रहेगा। चलो अभी सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोलता है, अविरूप लिमिटेड क्लेम एग्जेम्पशन ऑफ द इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 15(4)EC। 15(4)EC वाला ध्यान है आपको, NHAI वाले बॉन्ड्स थे उसकी जो एग्जेम्पशन है वो लेता है, बाय इन्वेस्टिंग ऑन बॉन्ड्स ऑफ NHAI विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम इन द कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB, द कंपनी क्लेम्ड एक्सक्लूजन ऑफ LTCG बिकॉज ऑफ एग्जेम्पशन अवेलेबल ऑन इट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 154EC, ठीक है। तो कंपनी क्या चाहती है कि कंपनी ना अपने ऊपर जो इसकी एग्जेम्पशन ली थी ना 154EC की, कंपनी वो ही कर रही है कि जब बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रही है ना वो, तो वो क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ना मतलब ये जो क्लेम रहता है ना, तो इसके एग्जेम्पशन जो उसने ली है उसको एक्सक्लूड कर रही है। तो AO बोल रहा है कि AO रेकन द बुक प्रॉफिट इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ MAT। तो ये बोल रहा है कि AO कि है ना बुक प्रॉफिट में, मतलब ये मना कर रहा है कि भाई ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ये नहीं आना चाहिए, मतलब रेकन कर रहा है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ मैट। इज द एक्शन ऑफ AO इज जस्टिफाइड, हाँ AO का एक्शन सही है, SSC एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता है, वो जो एग्जेम्पशन है क्योंकि SSC को सिर्फ एग्जेम्पशन 10, 11, 12 वाली ही उसके अंदर आती है, बाकी और कुछ नहीं आता है। आपको सिर्फ प्राइड और ब्राइड याद करना है, बाकी आपको सबको हटाना है।
इशू. अच्छा ये तो हमने कर ही लिया. नाउ इलस्ट्रेशन नंबर थ्री देखिए, इसको भी मैं कैलसी पे करूँगी. नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 100 लाख, मैंने लिख दिया 100 लाख और ये मैंने मेमोरी में भी डाल दिया. प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स हाँ ऐड करूँगी, प्रोविज़न फॉर डेफर्ड टैक्स को भी ऐड करूँगी, प्रपोज डिविडेंड को भी ऐड करूँगी. तो ये कितना हुआ 30, 35, 35 और ये 8, ये मैंने सारा मेमोरी प्लस में डाल दिया. डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट 12 लाख रुपए, इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन रिवेल्यूशन असेट 2 लाख रुपए, तो ये मैं 12 लाख रुपए को भी वापस ऐड कर दूंगी. ठीक है. और प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट इस्टेब्लिश इन एसीजेड. अच्छा अभी एक बात बताओ, हमको प्रॉफिट हो रहा है फ्रॉम यूनिट इस्टेब्लिश इन एसीजेड. एसीजेड वाला मतलब कि 10AA वाला. तो मैंने आपको सिर्फ 10, 11, 12 वाली एग्जेम्पशन बोला था, ये 10AA वाली एग्जेम्पशन के लिए नहीं बोला, तो इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे. प्रोविज़न फॉर परमानेंट डिमोल्यूशन यानी कि बेड डेप्स दे रखा है 2, तो ये मैं 2 को भी ऐड कर दूंगी. ये देखिए ठीक है, मैंने ऐड कर दिया. अभी क्या है, इन्होंने नीचे आगे बोला है, ये देखिए यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है 12 के, और ये दे रखा है डेप्रिसिएशन कितना है 5 और 5, 10, तो इन दोनों में से लोअर है 10, तो मैं 10 को लेस कर दूंगी. ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है. अच्छा तो अब वापस ये डेप्रिसिएशन में आ जाओ, 12 लाख है जिसमें से इन्होंने रिवेल्यूशन रिजर्व में 2 लाख डाल रखे, तो मैं 10 लाख रुपए वापस लेस कर दूंगी. तो मेरा 137 आया है बुक प्रॉफिट, यहाँ पे देख लीजिए 137 बुक प्रॉफिट, और इसमें 137 ही बुक प्रॉफिट ही पूछा है. मैट भी पूछते तो क्या है, हम कर सकते हैं. इन्होंने आगे बोला है कि ऑस्वेन प्राइवेट लिमिटेड मेड अ प्रोविजन 30 लाख रुपीज फॉर डाउटफुल डेट्स बाय डेबिटिंग टू पी एंड एल अकाउंट. द असेसिंग ऑफिसर वाइल कंप्यूटिंग पी बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 वॉन्ट टू एड बैक द प्रोविजन. यस असेसिंग ऑफिसर बिल्कुल सही है, आप उसको एड बैक करोगे. इज द असेसिंग ऑफिसर जस्टिफाइड द मेकिंग ऑफ सच एडिशन फॉर कंप्यूटिंग बीपी. यस सही है, जस्टिफाइड है ये. आगे ये बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नरीमा लिमिटेड रेसिडेंट, इसने बोला कि 190 लाख रुपए का उसका प्रॉफिट है. ठीक है आ जाओ इधर, मैं इसको वापस कैलसी पे कर लेती हूँ. 190 लाख का इसका प्रॉफिट है, मैंने मेमोरी में डाल दिया. इन्होंने बोला डेप्रिसिएशन है 100, तो मैंने ये डेप्रिसिएशन को वापस एड बैक कर रही हूँ. रिजर्व फॉर करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, करेंसी एक्सचेंज से है ना हमको रिजर्व हुआ है रिजर्व फॉर, तो ये 50 भी वापस ऐड बैक कर दूंगी. प्रोविज़न फॉर टैक्स और प्रपोज डिविजन भी दोनों ऐड हो जाएंगे, 160 भी ऐड बैक हो जाएगा. अभी इन्होंने क्या बोला, नेट प्रॉफिट इंक्लूड 10 लाख रुपीज़ बिंग डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एन इंडियन सब्सिडरी कंपनी. इंडियन सब्सिडरी कंपनी से ना डिविडेंड रिसीव हुआ, हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, डिविडेंड रिसीव होता है तो एग्जेम्प्ट होता है, तो हम इसको लेस नहीं करेंगे. ठीक है ना, हमें सिर्फ 2 ही डी लेस करने, मैंने आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही डी लेस करने, एक डेप्रिसिएशन लेस करना है और दूसरा कौन सा होता है डेफर टैक्स लेस करना है, इसलिए ये वाला डिविडेंड नहीं होगा. और वैसे भी देखा जाए तो आप डिविडेंड रिसीव होता है तो उस पर आपको एग्जेम्पशन मिलती है 1034, नहीं कौन सा वाला एग्जेम्पशन मिलता है, सॉरी मेरे को याद नहीं है सेक्शन इसका फ्रेंड्स, अभी अगर आगे दिखेगा तो मैं बता दूंगी आपको. यस 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 आई गॉट इट, मिल गया 1034 का. ओके लेस होगा ये, याद आया. चलो ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि डिविडेंड जो रहेगा ना, डिविडेंड पे ना एग्जेम्पशन कौन सी मिलती है, 1034 की एग्जेम्पशन मिलती है, और 10 वाली सीरीज़ को हमें लेस करना होता है, तो इसलिए हम ये वाला जो कहाँ गया फ्रेंड्स, ये रहा, ये जो 10 लाख वाला डिविडेंड है वो हम लेस करेंगे. ठीक है, तो मैंने 10 लेस कर दिया. अच्छा प्रोविज़न फॉर जो टैक्स है यहाँ पे, ये इंक्लूड कर रहा है 16 लाख रुपीज़ ऑफ द टैक्स पेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऑफ 2 लाख रुपीज़ ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स. टैक्स पेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इसने इसमें इंक्लूड कर रखा है, और 2 लाख रुपये, तो ये भी हम सारा इसमें इंक्लूड करते हैं, हमने यही पढ़ा था. डेप्रिसिएशन इंक्लूड 40 लाख रुपीज़ टूवर्ड्स रिवेल्यूशन, तो ये हम माइनस कर देंगे 40 लाख रुपीज़. ऊपर डेप्रिसिएशन था 100 में से 40 गए तो 60, तो मैं 60 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देती हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर पूरा 100 ऐड बैक कर लिया था. अमाउंट ऑफ 50 लाख रुपीज़ क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट वॉज ड्रॉन फ्रॉम रिवेल्यूशन रिजर्व. अमाउंट ऑफ 50 लाख रुपीज़ क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक है ना, क्रेडिट हो रहा है पी एंड एल अकाउंट में 50 लाख रुपए. अमाउंट पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है. अकाउंट वॉज ड्रॉन फ्रॉम रिवेल्यूशन रिजर्व.
एक सेकेंड ना, आई एम सॉरी, हाँ मैं कहाँ थी, यहाँ पे अमाउंट ना जो था वो 50 लाख रुपए क्रेडिटेड था P&L अकाउंट में और वॉज ड्रॉन फ्रॉम रिवेल्यूशन रिजर्व, है ना, वॉज ड्रॉन फ्रॉम रिवेल्यूशन रिजर्व। तो इसका कैसे रहेगा, देखो 50 लाख रुपए तो ये, अच्छा इस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा होता है ना कि पेंडल अकाउंट में क्रेडिट था रिवेल्यूशन का 50 और आपने कितना इसमें इंक्लूड किया असेट तक का 40 लाख, तो आपका ना इन दोनों में से जो भी लोअर रहेगा ना वहाँ वो अमाउंट तक आप लेस करोगे। तो कितना है 40 और 50 का लोअर 40 है, तो आप 40 यहाँ पर लेस करोगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेन, इस पॉइंट को मैं वापस मार्क कर देती हूँ, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शून इन बैलेंस शीट एट द असेट साइड वॉज 30 लाख रुपीज विच इंक्लूड एन अब्जॉर्व डेप्रिसिएशन ऑफ 10 लाख। तो इन्होंने कहा कि 30 और 10 तो 10 आ जाएगा विच एवर इज लोअर, तो मैं 10 को लेस कर रही हूँ, ठीक है ना, और वापस हमको वो निकालना है, तो मेरा 380 आ रहा है, इसके अंदर भी 380 आ रहा है, ठीक है। बस इसके अंदर एक ये वाला ही पॉइंट न्यू था फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट ही इसके अंदर नया था कि आपको क्या करना था, जब भी ये बोलता ना कि देखो हम अभी तक क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन जो था उसमें से हम जो रिवेल्यूशन रिजर्व में रहता है हम उसको लेस करके हम लेस कर रहे थे डेप्रिसिएशन के नाम से, हमने यहाँ पर 60 लाख डेप्रिसिएशन के नाम से लेस कर दिया। अमाउंट ऑफ रुपीज़ 50 लाख क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट वॉज ड्रॉन, तो इसने बोला कि अगर आप P&L अकाउंट में 50 लाख रुपये क्रेडिटेड है, ठीक है ना, रिवेल्यूशन रिजर्व के नाम से, और डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रुपीज़ 40 लाख टूवर्ड्स रिवेल्यूशन ऑफ असेट, तो इन दोनों में से जो भी लोअर रहेगा वो आपका लेस हो जाएगा, तो इन दोनों में से लोअर है 40, तो 40 लेस हो जाएगा। पीपे जींस प्राइवेट लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जींस फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 इट पेड टैक्स 18.5% ऑन इट्स बुक प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 115JB। अच्छा इन्होंने कहा कि भाई बुक प्रॉफिट कंप्यूटेड होगा 18.5% से, एओ दो सर्टिस्फाइड दैट इट इज़ लायबल टू पे बुक प्रॉफिट टैक्स अंडर सेक्शन 115JB वॉन्ट टू चार्ज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C एज नो एडवांस टैक्स वॉज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 17-18। एओ क्या कह रहा है कि भाई तुमने ना एडवांस टैक्स पे नहीं किया, इसके लिए ना वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 234 और 234B and C का, ठीक है। तो कंपनी सिक्योर ओपिनियन ऑन द प्रपोज लेवी ऑफ इंटरेस्ट, तो ये है कि कंपनी ने इंटरेस्ट पे नहीं किए, नहीं मतलब कंपनी ने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है तो फिर आपको इंटरेस्ट लगेगा, सही है, ठीक है ना, आपको एडवांस टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। अच्छा अब ये वाला हम उस पर करेंगे डायरेक्ट ही, देखो इन्होंने क्या बोला है कि नेट प्रॉफिट दे रखा है P&L अकाउंट 200, ठीक है, अभी इन्होंने क्रेडिट किया है डिविडेंड इनकम को फ्रॉम इंडियन कंपनी 20, तो ये आ जाएगी क्योंकि ये इसलिए लेस होगी क्योंकि ये 1034 के अंदर आती है ये इनकम, तो ये हम लेस करेंगे। एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ क्या बोलते हैं लैंड, मतलब एक्सेस में मिल रहा है 30, तो ये भी हम लेस कर देंगे, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, एक सेकेंड ना, देखिए एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, हमारा क्या था प्राइड और ब्राइड, प्राइड और ब्राइड के केस में देखो हम क्या करते थे, नहीं तो हमारा ये जो रहता था ना प्रॉफिट हो रहा है अगर मशीन को बेचने से तो हम उसका कुछ भी नहीं करते थे प्राइड और ब्राइड के अंदर, तो ये नहीं आएगा, मैं बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो ये हमारा सिर्फ डिविडेंड इनकम 1034 वाला आएगा, ये वाला हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखो मैं कैलसी पे ही करती हूँ उसको 200, और आपका जो डिविडेंड इनकम 20 है मैं 20 को वापस माइनस कर रही हूँ, ठीक है। डेबिट क्या हुआ है इसने, डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस 100, तो मैं इसको वापस एड बैक कर रही हूँ। प्रोविज़न और फॉर लॉस और सब्सिडरी कंपनी ये भी वापस मैं ऐड बैक कर रही हूँ, ठीक है। और इसने क्या दे रखा है देखो नीचे पढ़ो, डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स
रूल, इनकम टैक्स वाला तो डेप्रिसिएशन आना ही नहीं है इसके अंदर। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ये भी नहीं आना। लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड एज पर बुक ऑफ अकाउंट ये दे रखा है, तो बिजनेस लॉस और ये विच एवर इज लोअर, तो 50, तो मैं 50 को माइनस कर दूंगी। ठीक है, अच्छा अब बाकी और इसने कुछ भी नहीं दे रखा है, तो वापस ये जो डेप्रिसिएशन रहेगा ना 100, इसको मैं एज इट इज माइनस कर देती हूँ। ये मैंने माइनस करा तो मेरा 190 तो बुक प्रॉफिट आ गया, मेरा इधर 190 बुक प्रॉफिट आ रहा है। द कंपनी हैज़ रिप्रेजेंटेड टू यू दैट द एक्सेस रिलाइज ऑन सेल ऑफ लैंड कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 100, यू विल बी डील। इन्होंने क्या बोला है ऊपर, डोमेस्टिक कंपनी आरशू लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रेस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर, ये सीक योर ओपिनियन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 115JB। यू आर, इन्होंने हमसे क्या टोटल इनकम भी पूछा है और उसके हिसाब से हमको टैक्स भी पूछा है, तो हमें इसको ना नॉर्मल जो PGBP वाला है ना, हमने उसमें प्रॉफिट उस हिसाब से भी निकालना पड़ेगा। हमने बुक प्रॉफिट के हिसाब से तो 190 निकाल दिया। अच्छा अभी इस क्वेश्चन को यदि आपको नॉर्मल उसके हिसाब से अगर प्रॉफिट निकालने को बोलेंगे तो हम निकाल सकते हैं ना। देखो 200 आपका नेट प्रॉफिट है, क्रेडिट में क्या हुआ है, डिविडेंड इनकम है 20। अच्छा डिविडेंड इनकम जो 20 है वो आप लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेस कर देंगे आप डिविडेंड इनकम 20। ठीक है, उसके बाद में एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, मतलब ये उसको प्रॉफिट हो रहा है 30 का। ठीक है ना, एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ, क्या ये अलाउड रहेगा या अलाउड नहीं रहेगा,